वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव सिटी। आप सभी को पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूर्णिमा के दिन बहुत से लोग खीर का भोग लगाते हैं, तो आइए खीर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई लें और इसमें 1 लीटर दूध डाल लें। आप गाय या भैंस किसी का भी दूध ले सकते हैं, बस ध्यान रखें कि ये फुल क्रीम मिल्क हो। इससे खीर का टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है। 1 लीटर दूध लें और इसे गर्म होने दें। दूध को थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहिए, जिससे कि ये अच्छी तरह गर्म हो और तले में चिपके नहीं। खीर बनाते समय हमेशा ध्यान रखें कि आप हैवी बेस वाला बर्तन लें। जब दूध अच्छी तरह गर्म हो जाए, तब हम एक कटोरी लेंगे और इसमें 1 से 2 बड़े चम्मच दूध निकाल लेंगे। अब इसमें 4 से 5 स्ट्रैंड्स केसर के डालेंगे। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। बहुत से लोग इसमें फूड कलर भी डालते हैं, पर जो ऑथेंटिसिटी है वो केसर से ही आती है, इसीलिए केसर ज़रूर डालें। इससे टेस्ट भी अच्छा होता है और खीर देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। जब दूध में अच्छी तरह उबाला जाए, तब इसे एक और बार अच्छी तरह चला दें। इसे हम 5 से 7 मिनट तक चलाते हुए अच्छी तरह पका लेंगे। जब दूध अच्छी तरह बॉईल हो जाए, इसके बाद हम इसमें पिसी हुई इलायची डालेंगे। आप चाहे तो रेडीमेड इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, पर फ्रेश इलायची कूटकर डालने से ये बहुत अच्छा लगता है। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसे थोड़ी देर सोख होने दें। इसके बाद हम इसमें बॉइल्ड चावल डालेंगे। आप चावल को हाफ बॉइल कर लें, उसके बाद इसमें 1/2 कप चावल डाल दें। अब इसे अच्छी तरह मिला दें, जिससे चावल चिपक ना जाए और उनकी गोलियां ना बन जाए। हमें इसे ज़्यादा नहीं चलाना है, वरना सारे चावल टूट जाएंगे। इसे धीरे धीरे सावधानी से हल्के हाथों से ही चलाएं, जिससे कि दूध नीचे ना चिपक जाए, और फ्लेम को लो पर रखें। यदि हम इसे चलाएंगे नहीं तो दूध नीचे चिपक जाएगा। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको कोई भी वीडियो पसंद आए तो उस पर कमेंट जरूर करें। जब दूध में से अच्छी खुशबू आने लगे, इसके बाद हम इसमें क्रश्ड ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। अब इसमें 1/4 कप क्रश्ड बादाम डालेंगे। फ्लेम को मीडियम पर कर ले और दूध को अच्छी तरह बॉईल होने दे। इसे हल्के हाथों से चलाएं, वरना सारे चावल टूट जाएंगे। 2 से 3 मिनट बाद हम इसमें खरबूजे के छिले हुए बीज डालेंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और ये टेक्सचर में भी बहुत अच्छा लगता है। 1/4 कप डालेंगे और इसे अच्छी तरह चलाएंगे। अब हम चेक करेंगे चावल बनकर तैयार है या नहीं। सबसे पहले चम्मच ले और इसमें थोड़े चावल निकालिए। इसे हल्का ठंडा होने दे, उसके बाद हाथों की मदद से इसे सावधानी से दबाकर देखें। यदि ये अच्छी तरह दब जाए, इसका मतलब है कि ये बनकर तैयार है, और यदि ये ना दबे तो हमें इसे और थोड़ी देर तक पकाना है। अभी चावल अच्छी तरह दब नहीं रहा है, इसीलिए इसे कंटिन्यू चलाते रहिए और जो दूध साइड साइड में लग गया है उसे भी निकालते रहिए, वरना वो जल जाएगा। खीर की बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहिए और फ्लेम को लो पर कर दीजिए। 3 मिनट बाद हम चावलों को फिर से चेक करेंगे। सेम प्रोसेस कीजिए,
सावधानी से थोड़े चावल निकालिए, उसे थोड़ा ठंडा होने दें। इसके बाद हाथों की मदद से इसे दबा कर देखिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, चावल का दाना अभी भी अच्छी तरह दब नहीं रहा है। इसका मतलब ये बनकर तैयार नहीं है। इसे 5 से 6 मिनट और लगेंगे। इसे हल्के हाथों से चलाते रहिए थोड़ी थोड़ी देर में। बहुत ही टेस्टी और अच्छी खीर बनकर तैयार होगी। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें। आप खुद भी इसे ट्राई ज़रूर करें और अपने एक्सपीरियंस हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हमारे चैनल पर और भी बहुत से वीडियोस हैं, उन्हें भी चेक करें। आपको ज़रूर वो वीडियो बहुत पसंद आएंगी। कुछ देर बाद हम चावलों को फिर से चेक करेंगे। अभी भी अच्छी तरह दब नहीं रहे हैं, इसमें अभी कुछ और समय लगेगा। इसे थोड़ी देर के लिए कंटिन्यू चलाते रहिए। देखिए, दूध की क्वांटिटी कम हो गई है और इसका जो टेक्सचर है वो गाढ़ा हो गया है। ये बहुत अच्छा बनेगा। आप पूरी रेसिपी को अच्छी तरह फॉलो करें। हमारी रेसिपीज़ में कोई भी टिप्स या ट्रिक्स छुपाई नहीं जाती, आपको पूरी रेसिपी बताई जाती है। अब हम इसमें 1/2 कप शुगर ऐड करेंगे। आप अपने स्वाद अनुसार शुगर ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह मिलाएंगे, जिससे शक्कर अच्छी तरह पूरे दूध में मिक्स हो जाए। ध्यान रखें, हमें शुगर हमेशा लास्ट में डालनी चाहिए, जिससे कि शुगर क्रिस्टलाइज ना हो जाए। हमने जो केसर का दूध बनाकर तैयार किया था, उसने पूरा रंग छोड़ दिया है। अब हम इसे भी खीर में ऐड करेंगे। इसे सावधानी से खीर में डालें और इसके बाद हल्के हाथों से इसे अच्छी तरह मिला दें। हम हर मंडे, वेनेसडे और फ्राइडे को नए वीडियो के साथ आते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। देखिए खीर में कितना अच्छा कलर आया है केसर का। करीब आधे घंटे में खीर बनकर तैयार हो जाएगी। ये खाने में बहुत अच्छी लगेगी। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। जब दूध चम्मच से अलग हो जाए, इसका मतलब है कि खीर बनकर तैयार है। इसका टेक्सचर भी परफेक्ट है। खीर बन गई है, इसका भोग लगाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू क्रिएटिव सिटी।